नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी सिन्हा, शिल्पी सिन्हा बिहारी किचन में आप लोग का पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की कचौड़ी। तो चलिए चलते हैं हम बनाने की तरफ। तो इसके लिए जो हम लिए हैं सामग्री, हम एक बॉल लिए हैं मूंग दाल का। इसको हम 4-5 घंटा पानी में पहले भिगो दिए हैं, उसके बाद हम इसको धो लिए हैं अच्छी तरह से, मिक्सी में पीस लिए हैं। एक बॉल हम आटा लिए हैं, एक बॉल हम मैदा लिए हैं, आधा बॉल हम बेसन लिए हैं और 2 चम्मच हम सरसों का तेल लिए हैं। एवं 2 चम्मच नमक लिए हैं, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर लिए हैं, थोड़ी सी हम काली नमक लिए हैं और हम एक कस्तूरी मेथी लिए हैं 1 चम्मच। ये हम मिक्स मसाला लिए हैं, इसको हम दरदरा मिक्सी में पीस लिए हैं। इसमें खड़ा धनिया है, गोल मिर्च है, जीरा है और सौंफ है। ये हम थोड़ा सा आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं, थोड़ा सा हमें चाट मसाला लिए हैं और हम थोड़ा सा अदरक हम काट लिए हैं और ये हम थोड़ी सी हींग लिए हैं। तो अब हम बता रहे हैं आपको बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम चूल्हा को ऑन करेंगे और इस पर हम कढ़ाई को चढ़ाएंगे इस तरह से। जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक हम इधर आटा ले लेते हैं। तो ये मैदा जो है, ये मैदा हम ले लिए, इसमें ये आटा ले लिए इसमें, और ये तेल है, रिफाइंड ऑयल है, थोड़ा सा हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है, चूल्हा के फ्लेम को हम थोड़ा धीरे कर दे रहे हैं और इसमें हम ये अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं। दो चम्मच तेल डालना है। इसके बाद ये जो हम दरदरा पीसा हुआ मसाला लिए हैं इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसको हम इस तरह से चला देते हैं, थोड़ा सा भुना जाएगा तब हम इसमें मूंग दाल डालेंगे। देखिए थोड़ा सा भुना गया है, अब हम इसमें मूंग दाल डालते हैं। इसको भी हम इस तरह से चला दे रहे हैं। चूल्हा को थोड़ा मीडियम रखिएगा, नहीं तो दाल जल जाएगा। इस तरह से इसको पकाना है अच्छा तरह से। थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसमें बेसन डालेंगे और मसाला डालेंगे पाउडर। देखिए हम थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा अदरक हम काट कर रखे हैं इसको हम डाल रहे हैं, हींग है हींग को डाल रहे हैं, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है इसको हम डाल रहे हैं और एक काला नमक है इसको हम डाल रहे हैं। सब चीज को हम डालकर अच्छा तरह से भून लेते हैं। इस तरह से भून लेना है, जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको चूल्हा पर से उतार लेंगे। देखिए अभी तैयार हो गया है, भुना गया है, तो अब हम चूल्हा के फ्लेम को अभी बंद कर दे रहे हैं, इसलिए कभी ये ठंडा होगा तब हम इसको कचौड़ी में भरेंगे। अब हम इसको नीचे उतार दे रहे हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब देखिए आटा को हम अच्छा तरह से गूंथ लेते हैं, इसी का हमको कचौड़ी बनाना है। पहले इसको हम अच्छा तरह से तेल डाले हैं, मिला लेते हैं, नमक मिला ले रहे हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथना है, ज्यादा पानी डालिएगा तो गीला हो जाएगा आटा। आटा थोड़ा टाइट सानना है,
देखिए अब आटा हम अच्छा तरह से गूंथ लिए हैं, आटा हम थोड़ा कड़ा गूंथे हैं इसलिए कि हमको कचौड़ी छानना है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं इसी तरह से, तब हम इसका कचौड़ी छानेंगे। देखिए अब दाल को हम इस प्लेट में रख लिए हैं, अब हम कचौड़ी छानेंगे। तो हम सबसे पहले चूल्हा को ऑन करते हैं और इस पर हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। कढ़ाई 2 मिनट में गर्म होगा, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे छानने के लिए और हम कचौड़ी भरते हैं। तो इसके लिए हम सूखा मैदा लिए हैं, इसको हाथ में लगा ले रहे हैं और इस तरह से हम इसका आटा का लोई लिए हैं, इसको बराबर बराबर लोई काट लेना है इस तरह से। देखिए लोई इस तरह से ऐसे हाथ तलहटी पर ऐसे गोल करना है, लोई फटे नहीं, फटा हुआ रहेगा तो जो कचौड़ी है वो फट जाएगा। इस तरह से बनाना है, हाथ थोड़ा दबा कर बनाना है। देखिए देखिए अब कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं छानने के लिए इस तरह से। तेल इसमें थोड़ा ज्यादा डालना है इसलिए कचौड़ी छानना है, कचौड़ी अच्छा तरह से डूब जाए नहीं तो फट जाएगा कचौड़ी, तेल कम रहेगा तो। अब हम कचौड़ी को भर रहे हैं, तो पहले इसमें सूखा मैदा इस तरह से लगा दे रहे हैं और इसको इस तरह से उंगली से दबाते हुए गोल बनाना है और इसमें थोड़ा सा दाल डालना है, थोड़ा थोड़ा भरना है नहीं तो कचौड़ी फट जाएगा, ज्यादा भर दीजिएगा तो कचौड़ी फट जाएगा। इस तरह से इसको दबा देना है दाल को। हम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए हम छोटा छोटा बना रहे हैं, आप चाहें तो इससे बड़ा साइज का भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से दबा देना है नहीं तो दाल बाहर निकल जाएगा, इस तरह से दाब देना है। इसको इस तरह से रख दीजिए। देखिए अब इस तरह से हम इसमें सूखा मैदा लगा दिए हैं और थोड़ा सा इस तरह से बेलन से इसको बेल लीजिए, धीरे से बेलना है, फटे नहीं, छोटा छोटा इस तरह से इसको बेल कर रख लीजिए, तब हम इसको छानेंगे। ज्यादा तेजी से नहीं बेलना है, धीरे से बेलना है नहीं तो फट जाएगा। देखिए कचौड़ी हम बेल लिए हैं, अब तेल भी इधर गर्म हो गया है, अब हम इसको छानेंगे। कचौड़ी हम सारा बेल लिए हैं अभी, अब तेल गर्म हो गया है, अब हम इसको छानेंगे कचौड़ी को। तो अब हम तेल में डालते हैं, इस तरह से धीरे से डालना है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है नहीं तो कचौड़ी जल जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे डालना है तेल में, कचौड़ी को हम इस तरह से पलट दे रहे हैं। देखिए इधर लाल हो गया है कचौड़ी, इस तरह से पलट दिए। अब थोड़ा देर बाद हम इसको तेल में से निकाल लेंगे। देखिए कचौड़ी बनकर तैयार है, अब हम तेल में से इसको बाहर इस तरह से निकाल ले रहे हैं ऐसे। अब हम चूल्हा को बंद कर दे रहे हैं। देखिए कचौड़ी बनकर तैयार है, मूंग दाल की कचौड़ी। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब मूंग दाल की कचौड़ी बनकर तैयार है, अब हम इसे खा भी सकते हैं। देखिए हम खा कर दिखा रहे हैं तो ये गर्म है लेकिन थोड़ी सी हम खा रहे हैं। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी इसे बनाइए, अपने परिवार को दोस्तों को खिलाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए मेरे आप वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप देखते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेल की घंटी दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मेरे चैनल का जा सके। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें।
नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।